पंजाब में भाजपा विधायक की पिटाई को लेकर आज प्रदेश भर के साथ रेवाड़ी में भी भाजपा कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। आपको बता दें कि कार्यकर्ताओं ने रेवाड़ी में पंजाब सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए न केवल किसान नेता चढ़ूनी का पुतला फूंका, बल्कि पंजाब सरकार को बर्खास्त करने की मांग उठाते हुए पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग भी की। यहां आपको ये भी बता दें कि इससे पूर्व सभी भाजपा कार्यकर्ता रेवाड़ी के सेक्टर 1 स्थित भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य सुनील मूसेपुर के निवास पर एकत्र हुए और वहां से प्रदर्शन करते हुए राजीव चौक पहुंचे, जहां उन्होंने किसान नेता चढ़ूनी का पुतला फूंका। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कहा कि पंजाब के अबोहर में इस तरह सरेआम किसी जनप्रतिनिधि की बेरहमी से पिटाई करना न केवल सरासर गलत है, बल्कि ये मानवीय अपराध भी है। इसी को लेकर उनमें पंजाब सरकार के खिलाफ भारी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि जिन्होंने ये निंदनीय अपराध किया है वह कभी भी किसान नहीं हो सकते, किसानों की शक्ल में देशद्रोही करार दिया। वहीं उन्होंने कहा कि ये कोई विधायक पर हमला नहीं है, बल्कि पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक बड़ी साजिश है जिसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान उन्होंने पंजाब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। इस प्रदर्शन के दौरान भाजपा जिला अध्यक्ष के अलावा भारी संख्या में भाजपा के महिला व पुरुष कार्यकर्ता मौजूद रहे। ए लोकतांत्रिक काम किया, जिस प्रकार उसके कपड़े फाड़े और जिस प्रकार बेइज्जती की, ये लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा नहीं है। हर व्यक्ति को विरोध करने का अधिकार है, विरोध कर सकता है, लेकिन इस प्रकार एक जनप्रतिनिधि को कपड़े उतार करके इस प्रकार पिटाई करना, ये सरासर गुंडागर्दी है और भारतीय जनता पार्टी इसका कड़ा विरोध कर रही है। भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी की ओर से इसलिए भुका गया है कि झांझा कांग्रेस पार्टी राज कर रही है, वहाँ इसी प्रकार गुंडागर्दी हो रही है, तो हम भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेंगे और हम कड़ा विरोध कर रहे हैं। आपको लगता है कहीं जो विधायक की पिटाई हुई उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का हाथ है, कहीं नहीं कांग्रेस पार्टी का हाथ है उसमें? बिल्कुल, यदि कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहाँ और यदि सरकार की सहमति नहीं होती तो इस प्रकार जब पुलिस के होते हुए और एक जनप्रतिनिधि का इस प्रकार हाल किया जाता है तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी का उसमें हाथ था। आगे क्या मांग है आप लोगों की? हमारी यही मांग है, अब जिन लोगों ने ऐसी कृत्य किया है उनको ज़्यादा से ज़्यादा कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं तो बल्कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से, जिला की इकाई की ओर से राष्ट्रपति से मांग करता हूं कि भाजपा की, ये पंजाब की जो भी कांग्रेस की सरकार है उसको तुरंत बर्खास्त किया जाए। धन्यवाद। जो पंजाब में हमारे बीजेपी विधायक के साथ, आप सभी को पता है जो भी घटना घटी है, शर्मनाक हरकत हुई है, उसके लिए आज हमने कांग्रेस का पुतला फूंका है। और अपना जब ऐसी शर्मनाक घटना के लिए हम कांग्रेस को यही जवाब देना चाहते हैं कि ऐसी सरकार को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए कि जो ऐसी शर्मनाक विधायक के ऊपर जानलेवा हमला नहीं हुआ, ये मानवता के खिलाफ एक किसान बिल्कुल नहीं हो सकते जो इस प्रकार की घटना को अंजाम देते हैं। ये किसान के रूप में उग्रवादी हैं, देशद्रोही है। भारतीय जनता पार्टी जिला रेवाड़ी इसका पुरजोर विरोध करती है और आज हम इसी विरोध प्रदर्शन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये हमारी मांग है कि पंजाब के अंदर राष्ट्रपति शासन लागू हो ताकि आगे आने वाले समय में किसी भी इस प्रकार की घटना को दोबारा ना दोहराया जा सके। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक।